फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। और ये जो ड्रेस है, ये मैंने स्कर्ट के साथ, वेब स्कर्ट के साथ और शर्ट के साथ तैयार किया है। और इसकी जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इसको कटिंग और स्टिचिंग बताने के लिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसकी वीडियो भेजी थी, पिक्चर भेजी थी। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं, और बहुत ही न्यू और आसान तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और मैं इसमें जो है आप लोगों को इस स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। शर्ट की जो वीडियो है वो अलग है और ब्लाउज की जो वीडियो है वो अलग है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको पार्ट पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को इस स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो बताऊंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है, दोनों भी 2 2 मीटर है। ये लाइनिंग मैंने लिया है, ये देखिए, इसके ऊपर डालने के लिए देखिए ये हमारा लाइनिंग है। और ये वाला जो है हमारा जॉर्जेट फैब्रिक, हमारा जो मेन फैब्रिक है, ये 2 मीटर है और लाइनिंग भी मैंने 2 मीटर ही लिया है। अगर आप लोगों को इसमें बहुत ही ज्यादा जो है वो प्लीट डालनी हो तो आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। और लेंथ वाइज हम इसमें देखिए, ये लेंथ है हमारी, ये देखिए ये वाला हमारा लेंथ है। और इसकी जो विड्थ है वो 44 इंचेस इसकी विड्थ है। तो मैं पूरा ही ले रही हूँ, अगर आप लोगों की कम है तो आप इसमें कम भी कर सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है, ठीक है। और हमारा जो हिप है वो 2 मीटर में हमारा ये बन जाएगा। अगर आप लोगों का हैवी साइज है तो आप लोग इसमें फैब्रिक को ज्यादा लीजिएगा। तो अभी देखिए 2 मीटर है ये हमारा फैब्रिक। तो अब देखिए, इसी को हम जिस तरह से ये मैंने फोल्ड करके रखा है, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको कट करेंगे। तो देखिए, ये देखिए टू लेयर है ये, और ये हमारी लेंथ है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी लेंथ है जो कि मेरी 44 इंचेस है, और ये देखिए ये 2 मीटर है। अगर आप लोगों को लेंथ 44 से कम है, आप लोगों की 36 है, तो आप इसमें कम कर सकते हैं। देखिए ये हमारा फ्रंट में आएगा, और यहाँ से देखिए हम इसमें निशान लगाएंगे। मैं 15 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। अगर मैं 15 इंच पे इसमें निशान लगाती हूँ तो मेरा जो हिप का निशान है, हिप का मेजरमेंट है, ये हमारा बराबर आ जाएगा। अगर आप लोगों का हैवी साइज है तो आप इसमें कम भी कर सकते हैं, 10 पे कर सकते हैं, 12 पे कर सकते हैं, 13 पे कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिप के अकॉर्डिंग इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं 15 इंच पे एक गोलाई में निशान लगा रही हूँ, जैसे हम अपने अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए, सर्कुलर फ्रॉक के लिए जो निशान लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। ये देखिए, मैं यहाँ से निशान को पक्का कर देती हूँ इस तरह से, ये आप लोगों को निशान बता देती हूँ। ये देखिए, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए निशान लगाते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। वैसे तो ये स्कर्ट जो है वो कई तरीकों से सिली जाती है, तो ये जो इसका मैं तरीका बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा आसान है। ये कोई भी, इसको बिगनर्स भी इसको आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आप देखिए, ये यहाँ से जो निशान आप लोगों को दिख रहा है, वहीं पर मैं इसको उसी निशान को पकड़ते हुए इस तरह से इसमें चून बना रही हूँ। देखिए, गैदर्स में इसमें बना रही हूँ इस तरह से। देखिए, ये इस तरह से मैंने इसको बना दिया है। ये यहाँ पर हमारा इस तरह से कट हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा फ्रंट है, ये देखिए, जो बिल्कुल ज्वाइन नहीं है। बैक में हमारा इसमें ज्वाइन आएगा, और ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा रहेगा। तो आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा, आप लोग वीडियो पर जो है वो एंड तक बने रहिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से ये अभी हमने यहाँ पर कट कर देना है, ठीक है। जो जहां पर मैंने इसको पकड़ा हुआ है, यहाँ पर हम इसमें कट कर देंगे। बस मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। अब ये मेरा हिप हो जाएगा, ये देखिए 40 का मेरा हिप है, तो ये मेरा पूरा जो है वो 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा है, 40 इंच से 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा है, तो ये मुझे चल जाएगा। अगर आप लोगों का हिप ज्यादा है तो आप लोग फैब्रिक ज्यादा लीजिए, या फिर जो मैंने सर्कल बनाया है 15 इंच पे, आप उसको कम कर दीजिएगा। तो अब चलिए, ये इस पे इस तरह से 15 इंच पे हमने जो निशान लगाए थे, उसी निशान पर हम इसको इस तरह से पकड़ते हुए इसको यहां से कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, तो गाइज, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया। ये देखिए, ये कट हो गया अभी हमारा। आप देखिए, ये जो कट हो चुका है हमारा, यहाँ पर हमने इसमें गैदर्स बनाने हैं। ये देखिए, ये सर्कल मैंने अभी कट कर दिया है,
आप चलिए इसको अभी समझने की बात है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं एक नोच लगा देती हूँ, ये सेंटर है हमारा फ्रंट का सेंटर, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको खोल देती हूँ यहाँ से अच्छे से, ये देखिए ये मैंने खोल दिया। अब ये सेंटर है हमारा, ये हमारा फ्रंट में रहेगा। अब यहाँ से हम इसमें छोटी छोटी सी प्लीट्स डालना शुरू करेंगे। मैं दो तरीके से आप लोगों को प्लीट्स डालकर आप लोगों को सिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से प्लीट्स में इसमें जितना भी हमारा ये फैब्रिक है यहाँ पर हम इसमें इकट्ठा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैं छोटी छोटी प्लीट्स डालते हुए यहाँ पर ये सारा फैब्रिक यहाँ पर इकट्ठा कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, तो देखिए इस तरह से मैं इसको यहाँ पर इकट्ठा कर रही हूँ। और जो दूसरा फैब्रिक है हमारा दूसरी साइड का, वो भी मैं बिल्कुल इसी तरह से प्लीट्स बनाते हुए इस तरह से ये एक दूसरे के मैं आमने सामने रख रही हूँ, यानी कि ऑपोजिट में रख रही हूँ। ये देखिए दोनों प्लीट्स का जो है वो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर ये सेट कर देना है। जितना भी हमारा फैब्रिक है सारा का सारा हमने इस तरह से प्लीट्स में इसको रख देना है, ठीक है। तो चलिए ये देखिए ये इस तरह से मैं सेट करके यहाँ पर रख देती हूँ। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। और अब तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कीजिएगा, और इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको यहाँ से गेदर्स जो है वो पूरा डालते हुए मैंने इसको सेट कर दिया है। अब ये जितना भी हमारा फैब्रिक है इसमें हम अपनी बेल्ट इसमें लगाकर इसको रेडी कर देंगे। अगर आप लोग इस तरह के प्लीट्स चाहते हैं तो जरूर इस तरह की प्लीट्स डालकर इसके अंदर बेल्ट जो है वो आप लगाकर इसमें तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर मेजरमेंट भी बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ से सेंटर से मैं इसको यहाँ पर, ये देखिए ये 10 इंच है और 2 इंच एक्स्ट्रा है, और यहाँ से भी ये 10 इंच है और 2 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है, यानी कि 40 इंच का मेरा हिप है। तो ये हो गया अभी हमारा, ये देखिए इस तरह से ये बन चुका है अभी हमारा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है फिर भी तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं क्या समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। ये देखिए ये जो है हमारा ये फ्रंट में रहेगा, बिल्कुल हमारा फ्रंट में जो है वो ज्वाइन नहीं है, और ये जो ओपन है ये हमारा बैक में जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा ये स्कर्ट रेडी हो गया है। अब दूसरी टाइप का जो प्लीट्स है वो मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। ये पिन मैंने निकाल दिया है यहाँ से, ये देखिए फिर से सेंटर है ये हमारा। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर एक 3 इंच की बॉक्स प्लीट बना रही हूँ। देखिए 1.5 इंच मैंने इसको अंदर की तरफ कर दिया है फैब्रिक को एक प्लीट्स बनाकर, और यहाँ से हमने एक सेंटर में एक बॉक्स प्लीट बनाना है, ठीक है। यानी कि मैं इसमें 3 इंच का जो है वो एक बॉक्स प्लीट बना रही हूँ। इससे ज्यादा बड़ा मत कीजिएगा बॉक्स प्लीट, इसमें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप इसमें कम कर सकते हैं, ज्यादा मत कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैं इसको एक बॉक्स प्लीट बना दिया है मैंने अभी 3 इंच का। अब हमारा बाकी का जितना भी फैब्रिक था वो इसी प्लीट्स के नीचे हम पूरा जो है वो विजिबल कर देंगे। हमारा जो बॉक्स प्लीट हमने बनाया है 3 इंच का बॉक्स प्लीट मैंने इसमें बनाया है। अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक ये जो है हमारा, इसको हम इसके नीचे डाल देंगे, ठीक है। हमारा सारा फैब्रिक जो है, हमारा जो बॉक्स प्लीट है वही ऊपर दिखाई देना चाहिए हमारा, जितना भी है बाकी का हम इसके नीचे जो है वो डाल देंगे। ये देखिए एक साइड का मैंने आप लोगों को डालकर दिखा दिया है। देखिए अब ये इस तरह से रहेगा, ये थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं और इस तरह से इसको हम सेट कर देंगे। तो देखिए कुछ बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो ये देखिए मैं यहाँ पर पिन लगा देती हूँ इस तरह से। ये हमारी एक साइड की प्लीट्स जो है वो बन चुकी है। अब जो दूसरी वाली है ये वाली, इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही, ये देखिए इसके नीचे जो है वो प्लीट्स बनाते हुए 1-1 इंच की मैंने प्लीट्स इसमें रखा है। कितनी भी बना सकते हैं, बस हमने ये सारा फैब्रिक जो है प्लीट्स में कन्वर्ट करके इसके नीचे जो है वो विजिबल कर देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इकट्ठा करके हमने इसके नीचे इसको डाल देना है। होप कि आप लोगों के समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो देखिए गाइस अब ये जो है हमारा ये प्लीट्स जो है वो बन चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है इसको पिन लगा देती हूँ और इसके ऊपर मैं एक सिलाई भी लगा दूंगी। तो गाइज मैंने जो शर्क की वीडियो है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहो तो वहां से इसको क्लिक करके देख सकते हैं, ओके। और चाहो तो मैं एंडिंग में आप लोगों को एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी और आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं आप लोग, एंड में मैं आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। तो आप देखिए ये कुछ इस तरह से मैंने प्लीट्स इसमें बना दिया है, और जितना भी फैब्रिक था हमारा इसको प्लीट्स के नीचे मैंने डाल दिया है।
अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। एक जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें निकला हुआ है इसको हम यहाँ से कट करके लेवल में कर देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अगर आप लोगों का हैवी साइज है तो आप लोग 2.5 मीटर फैब्रिक भी इसमें ले सकते हैं, मेरा 2 मीटर में बन जाएगा। इसे मैंने 2 मीटर ही इसमें यूज किया है। तो आप देखिए ये मेरा इस तरह से रहेगा। तो अब ये जो सेंटर है इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये नजर आएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया है। ये देखिए ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये हमारे फ्रंट में रहेगा, थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, हाई में रहेगा। ओके, तो हाई लो में रहेगा ये स्कर्ट। तो अब देखिए गाइस, अब यहाँ पर जो है मैं इसमें एक स्टिच लगा देती हूँ। ये देखिए अच्छे से मैं आप लोगों को नजदीक से बता रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने प्लीट्स बनाकर इसमें ये तैयार कर दिया है। तो चलिए गाइस, अब मैं इसके ऊपर एक स्टिच लगा देती हूँ और इसका जो लाइनिंग है वो भी हम कट कर लेते हैं। देखिए लाइनिंग कट करने के लिए जितना भी मैंने फैब्रिक लिया है ये वाला, इसको मैंने इस तरह से खोलकर बिछा लिया है, ठीक है। अब ये वाली जो है हमारा, ये वाला जो मेरे सामने है, ये देखिए ये हमारा लेंथ है, बैक लेंथ, ठीक है। जितना भी आपका स्कर्ट का लेंथ हो वो आप यहाँ पर लगा लीजिएगा। मेरा 42 का लेंथ है तो मैंने एक्स्ट्रा भी दिया है इसके अंदर, मैं नीचे से फोल्ड कर दूंगी। अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपने हिप का निशान। ये जो हमने इसमें लगाए हैं निशान, ये देखिए ये वाला 42 इंचेस मैंने इसमें लगाया है, यानी कि मेरा हिप जो है वो 40 का है। 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा रखा था ताकि ये थोड़ा सा लूज में ही रहे, ज्यादा फिटिंग में ना रहे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको डबल करते हुए यहाँ पर इसको रखेंगे। इसको रखते हुए ही निशान लगाइएगा आप लोग। ये देखिए इसका जो निशान है हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो ये हो गया अभी हमारा, हमने हिप का निशान यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ से ये देखिए, अब जो ये निशान है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। अब ये कितना रखना है, ये फ्रंट में रहेगा हमारा, ठीक है। ये देखिए अब ये कितना रखना है हमारा, अब ये जो हमारा फ्रंट का निशान है ये हमने कितना ऊपर तक उठाए हैं इसको, ये देखिए ये मेरा 29 इंच है, यानी कि 29 इंच है। तो मैंने इसको 29 इंच पर ही लगा दिया है, ठीक है। इसको फोल्ड करने के बाद ये थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। अब देखिए इसी निशान को हमने नीचे जो है वो जोड़ देना है। अब ये देखिए ये वाला जो निशान है हमारा, ये वाला, इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे ताकि इसको हम इसमें एक शेप दे सके अच्छा सा गोलाई में। देखिए कुछ इस तरह से निशान मैंने लगाया है। अब ये जो हमने फुल लेंथ लगाया है बैक में, इसी निशान को हम पकड़ते हुए फ्रंट वाले को मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। कुछ इसका शेप है, मैं इसको कट करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये मैं इसको कट करूंगी तो आप लोगों को ये जरूर समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ से इसको कट कर देती हूँ। निशान आप लोगों को दिख रहा है, ये व्हाइट फैब्रिक है, इस पे लाइट जो है वो ज्यादा पड़ रही है, आप लोगों को ये थोड़ा सा विजिबल हो रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है। ये कुछ हमारा इस तरह का स्कर्ट जो है वो बन चुका है। ये हमारा लाइनिंग है गाइस, ठीक है। जो लेंथ वाइज है ये हमारा बैक में जाएगा, ये जो छोटा वाला ये वाला जो हिस्सा है हमारा फ्रंट में आएगा। यहाँ पर हम एक स्टिच लगाकर इसको बंद कर देंगे और यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड करते हुए इसको सिलाई लगा देंगे। तो अब देखिए गाइज ये जो है हमारा, इसमें भी हम यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए इसको इस तरह से पकड़ेंगे और बैक में जो है हम इसको एक स्टिच लगाकर बंद कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये बैक में रहेगा, हमारी जो स्टिच है वो बैक में जाएगी, हमारा जो ज्वाइन है वो बैक में जाएगा। तो आप देखिए इसको मैं यहाँ पर जो है ये नीचे से भी इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसको सिलाई लगा दूंगी। तो देखा आप लोगों ने, बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये देखिए मैंने इसको सिलकर रेडी कर दिया है। ये देखिए ये नीचे से भी मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर इसको बंद कर दिया है, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दिया है। ये हमारा बैक है। अब हम जो फ्रंट हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको लेंगे। ये देखिए इसको भी मैंने बंद कर दिया है। यहाँ से ये हमारा हिप है। ये देखिए ये लेंथ है हमारी बैक की जो फ्लोर तक रहेगी, और ये हमारा जो उठा हुआ हिस्सा है ये हमारा फ्रंट में रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह से ये हमने बंद कर दिया है। अब ये जो हमने लाइनिंग जो है वो तैयार किए हुए हैं इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसका सेंटर मिलाएंगे। यहाँ से मैं इसको एक पिन लगा देती हूँ सेंटर को। फ्रंट का सेंटर है ये हमारा, जहाँ पर हमने प्लेट्स बनाए हैं, ये देखिए। और ये जो बैक है हमारा, ये बैक में रहेगा। तो अब हम इसके ऊपर दोनों को मिलाते हुए इसको एक सिलाई लगा देंगे और दोनों हमारा ये साथ में जुड़ जाएगा, अलग अलग नहीं रहेगा, दोनों साथ में हम इसको जोड़ देंगे। बस इसी तरह से हमने इसको तैयार कर लेना है। तो मैं इसके ऊपर जो है एक ऊपर से एक सिलाई लगाकर इसको दोनों को एक कर दूंगी, अलग अलग नहीं रखूंगी, इसको दोनों को एक कर दूंगी, क्योंकि हमने साथ में इसका इलास्टिक और
और बेल्ट लगाना है। ये देखिए यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड करते हुए सिल देंगे। तो ये हो गया, अभी आप देखिए ये हमने रेडी कर दिया है। ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसको रेडी कर दिया है। और बैक और फ्रंट हमने इसको दोनों को इस तरह से मिलाएंगे। नोच लगा लेना है आप लोगों को। बैक मेरा जो सिलाई है वो मुझे नजर आ रही है, इसलिए मैंने इसको नोच नहीं लगाया है बैक में। तो इस तरह से ये हमारा रहेगा, साइड में कोई सिलाई हमारी नहीं लगेगी। अब देखिए ये बेल्ट लेना है अभी हमने, और इलास्टिक भी लेना है। तो अभी हमने कैसे लेना है ये देख लीजिए आप लोग। आपका जितना भी ये देखिए ये 1-1 इंच का है, इलास्टिक भी 1 इंच की है और बेल्ट भी मेरा 1 इंच का ही है। अब देखिए आप लोगों का जितना भी वेस्ट राउंड हो उसका आधा कर दीजिए आप लोग। 30 क्या मेरा वेस्ट राउंड है, तो मैंने 15 इंच अपना बेल्ट लिया है और उसमें 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए अलग कर इसमें ऐड कर दिया है, यानी कि 16 इंच मैंने बेल्ट लिया है। अब 16 इंच में हम 2 से 3 इंच कम कर देंगे और इलास्टिक हमने इसमें उतना ही ले लेना है, ठीक है। तो यानी कि मैंने 13 इंच पे ये इलास्टिक जो है वो ले लिया है। तो इस तरह से 16 इंच का मेरा बेल्ट है और 13 इंच का मेरा इलास्टिक है, 2 इंच हमने इसमें कम कर देना है। तो अब इस तरह से हम फैब्रिक के ऊपर इसको रखेंगे इस तरह से। देखिए सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करके इसको सिलाई लगा देंगे और डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से इसको सिलाई लगा देंगे। मैं इसको आधे पे ही सिलाई लगाऊंगी और मेन फैब्रिक पर भी इसको मैं लगा दूंगी गाइस, आप लोगों को मैंने दिखा नहीं पाई थी, ठीक है। तो अब इलास्टिक के ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही, ये देखिए बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ हमने ये कैसे करना है, ठीक है। इलास्टिक और बेल्ट दोनों साथ में हमने इसमें लगाना था। ये देखिए बेल्ट जो है हमारी ये फ्रंट में आएगी, इसमें एक सेंटर बना देती हूँ मैं, इसलिए कि मैं सबसे पहले इसमें बेल्ट से ही इसको ज्वाइन करना शुरू करूंगी, क्योंकि हमने फ्रंट में बेल्ट लगाना है। बाकी जितना भी फैब्रिक हमारा बचता है वो हमारे इलास्टिक में चला जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से बेल्ट मैंने तैयार कर दिया है, दोनों को ज्वाइन कर दिया है मैंने, बेल्ट और इलास्टिक दोनों को सिलाई लगाकर ज्वाइन कर दिया है। तो अब देखिए सबसे पहले हमने जो बेल्ट था हमारा, ये देखिए बेल्ट के लिए मैंने थोड़ा सा फैब्रिक भी इसमें ज्वाइन करके लिया है, ताकि मैं इसको कोई गलती ना करूं मैं इसमें। तो अब देखिए जो सेंटर है हमारा बेल्ट का सेंटर, ठीक है, इलास्टिक का नहीं, बेल्ट का सेंटर हमने इसमें लेना है। यहाँ पर एक नोच लगा देना है या फिर निशान लगा देना है चौक से, उसी निशान को पकड़ते हुए हमने प्लीट्स के पास, प्लीट का जो सेंटर है हमारा, ये जो हमने 3 इंच का प्लीट्स इसमें बनाए थे, उसी सेंटर में हम इसमें बेल्ट के पास रखेंगे। अंदर से हमने रखना है, बाहर की तरफ हमने इसको फोल्ड करना है, इसी से हमारा वो फिनिशिंग जो है वो बेल्ट का वो तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया है गाइज। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए। ये आसान तरीका आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में मुझे बताइएगा, और क्या समझ में नहीं आया आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये फैब्रिक को मैं यहाँ पर 1/2 इंच पे मैं इसको ये सिलाई लगा दूंगी। अंदर से रखना है हमने, बाहर से नहीं रखना है। मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, इसकी फिनिशिंग जो है वो हमने बाहर की तरफ से देनी है, अंदर की तरफ से नहीं देनी है। तो फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ से रखते हुए इस तरह से पिन लगाकर अच्छे से, जितना ये हमारा फैब्रिक है 42 इंच का, उतना ही बेल्ट है हमारा 42 इंच का, बाद में से ये हमारा सेट हो जाएगा इलास्टिक के साथ में। तो इस तरह से देखिए सिलाई लगा दूंगी मैं 1/2 इंच पे, ठीक है। तो अब देखिए ये 1/2 इंच पे हमारे सिलाई लगने के बाद जो है ये देखिए कुछ इस तरह से ये नजर आएगा। थोड़ा सा मैंने बेल्ट के साथ इसको अटैच करके रखा है, ताकि ये मैं अच्छे से इसको सेट कर पाऊँ। ये देखिए यहाँ से अब हम इसको बाहर की तरफ, ये देखिए इस तरह से मैं पिन लगा रही हूँ अभी, यहाँ पर हम इसको बाहर की तरफ जो है फोल्ड करके, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलता है हमारा वो हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा देंगे। तो बस इतना ही था। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, मैंने कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था, मेरी तबीयत खराब चल रही थी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैं अभी आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप लोगों के साथ जरूर, आप जितने भी आप लोगों ने मुझे वीडियोस जो फोटोज भेजे हैं सभी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। और जो मेरा सेकेंड चैनल है उस पर भी मैं अभी वीडियोस डालना शुरू कर दी हूँ, और उस पर भी बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे पैटर्न है मेरे पास। तो एक ही चैनल पे नहीं हो सकता है, तो 2 चैनल पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें भी देखते रहिएगा, आधा उसमें मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये स्कर्ट तैयार हो चुका है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये स्कर्ट और ये इसकी जो सिलाई है वो आप लोगों को आसान लगी या नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए। या फिर आप लोगों को मुझे और कैसे आसान तरीके से बताना चाहिए ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इसको क्लिक करके देख सकते हैं, और आई बटन पर भी क्लिक करके इसकी शर्ट की वीडियो देख सकते हैं, कंप्लीट वीडियो।
और मेरे सेकंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और उस पर भी मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करूंगी इसी के अकॉर्डिंग। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और दुआ मुझे याद रखिए। सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर आप जाकर इसको क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अल्लाह हाफिज़।